वहीं बोधघाट परियोजना को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी कभी नहीं चाहती कि आदिवासी अपने पैरों पर खड़े हो। भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासियों के विकास के लिए काम कर रही है। जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि आदिवासी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। 15 साल के राज में वो आदिवासियों के हक को ही नहीं छीना, बल्कि उसकी जमीन छीनने के लिए भी विधानसभा में उन्होंने कानून बनाने तक के प्रयास उन लोगों ने किया था। साथ ही जो सामुदायिक दावा है उसके तहत लाखों हेक्टेयर जमीन हमने उन गांव वालों को दिया है, जो उनका अधिकार है, जिस जंगल से वो अपना हक मानते थे और जहां से उनका पूरा लघु अनुपज संग्रहित करते थे। तो संसाधनों पर भी अधिकार हमने आदिवासियों को दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में इन दिनों बोधघाट परियोजना को लेकर कांग्रेस बीजेपी में घमासान जारी है। दरअसल बोधघाट परियोजना शुरू होने को लेकर सीएम भूपेश बघेल के बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए राज्य सरकार से लिखित में आश्वासन देने की मांग की है। साथ ही बीजेपी ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के शोषण का भी आरोप लगाया। ये सरकार अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करे कि अगले 3 सालों में बोधघाट को प्रारंभ कर पाएगी, और जितने इनके दावे हैं वो झूठे दावे हैं। आज बोध घाट मैंने की वो बस्तर में कुल कितनी जमीन है जिसमें खेती होती है, कुल कितनी जमीन है जिसको सिंचाई की सुविधा के लिए रूपांकित क्षमता, जो वहां पर डैम्स बने हुए हैं उसमें से कितनी सिंचाई वहां पर ले रहे हैं। मैं सिंचाई मंत्री रहा हूं, 50% से कम लोग, बल्कि 25% से कम लोग वहां पर सिंचाई सुविधा का लाभ लेते हैं।